फाइनली मैंने 6 स्टॉक में पैसे लगा दिए, अब देखना बस। तो यार वैसे ये जॉब वॉब तो मेरे लिए कभी था ही नहीं। ठीक है बट टाइम पे रीबैलेंस करती रहना। हाँ, अब ये क्या है, स्टॉक मार्केट में पैसे रखकर भूल नहीं जाना होता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। बेसिकली इट्स द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ योर पोर्टफोलियो व्हिच मैचेस द ओरिजिनल एसेट एलोकेशन एंड द रिस्क। नाउ मानो आपने इक्विटीज में 70% एंड बॉन्ड्स में 30% इन्वेस्ट किया। नाउ आफ्टर सम टाइम योर इक्विटीज हैव ग्रोन टू 80% बट योर बॉन्ड्स में फॉलन टू 20%। नाउ टू मैच योर ओरिजिनल एलोकेशन आप आपकी इक्विटीज को सेल करते हो एंड बॉन्ड्स में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। नाउ दिस इज वाई रीबैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द वैल्यू एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद योर एसेट कीप्स चेंजिंग। लेकिन पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का एक डिसएडवांटेज भी होता है बिकॉज यू सिस्टमैटिकली कीप रीस्ट्रक्चरिंग यू कुड मिस आउट ऑन द पोटेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट। सो या मैनेजिंग रिस्क इज इम्पॉर्टेंट बट एनालाइजिंग एवरीथिंग फाइनेंशियली इज क्रूशियल टू। व्हाट इज योर रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी, लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप फॉलोइंग योर सिक्योरिटीज चॉइस ऑफ द वेल्थ। Investment in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.